आप सभी को राम राम। कैसे आप लोग? तो आप लोगों को पता है कि जो अब मार्केट धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, मतलब इकोनॉमी खुल रही है, तो कई सारे स्कूटर कंपनी है जो या व्हीकल मैन्युफैक्चर कंपनी है वो अपने नए स्कूटर लॉन्च करते जा रही है। तो ऐसी इस रेस के अंदर प्यूजो भी आ गया है, इसने अपने दी जंगो 125 लॉन्च कर दिया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं इस स्कूटर में बताऊंगा आपको किस तरह कंपनी ने क्या क्या दिया है, मतलब नए नए क्या चीज ऐड की है, इसकी प्राइस कितनी, स्पेसिफिकेशन क्या है इसके अंदर, और क्या इंडिया में अवेलेबल है या नहीं है, और क्या कंपनी कह रही है इसको लाने के लिए इंडिया में। तो अगर आप लोग जानना है कि डीजेपो 125 के अंदर कंपनी ने क्या क्या दिया है, तो भाई ये वीडियो कोई एंटर देना, कहीं इसके मत करना, क्योंकि ये बिल्कुल ही नया स्कूटर आया है कंपनी की तरफ से। तो भाई देख लेना, जानते हो मैं वीडियो स्टार्ट करने पहले आप जो लाल रंग जाना स्क्रीन पे उसे दबा के डाउन कर दो, ब्रेक कर दो, जो करना कर दो, बस कर देना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो प्यूजो जेंगो के अंदर 125 cc का एयर कूल इंजन मिल जाता है, जो 11.4 PS का पावर देता है और 11.2 Nm का टॉर्क देता है। प्यूजो कंपनी ने अपने जेंगो स्कूटर को इंडियन रोड के अकॉर्डिंग डिजाइन किया और थोड़ा ट्विक किया है। इसके अंदर कंपनी ने टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक और रियर साइड में सिंगल रियर शॉक ऑब्जर्वर के साथ रेट्रो स्टाइल अलॉय व्हील दिए हैं। अगर मैं प्यूजो जेंगो 125 की कीमत की बात करूँ तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो 1,40,000 रुपये है, और कंपनी का दावा है कि प्यूजो जेंगो की जो माइलेज है वो 31 किलोमीटर पर लीटर की है। और अगर मैं इसकी लॉन्च डेट की बात करूँ कि इंडिया में कब आएगी, तो इसकी लॉन्चिंग को लेकर कंपनी कहती है कि इसकी लॉन्चिंग करने वाली कंपनी वो करनी है दिसंबर के अंदर 2022 के अंदर ही। प्योजो जेंगो के अंदर आपको 6 कलर ऑप्शन मिलते हैं, डीप ओशन ब्लू, मैट ग्रे, मैट रेड, पर्ली ब्लैक, ब्लैक और मैट ब्लैक। अगर मैं प्योजो जेंगो की टॉप स्पीड की बात करूँ तो इसकी टॉप स्पीड है वो 95 किलोमीटर पर आवर की है, और इसके एक इवेंट अवेलेबल है जो कि है स्टैंडर्ड। अगर मैं ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ इस स्कूटर की, तो इसके फ्रंट और रियर पे आपको डिस्क मिल जाते हैं। अगर मैं फीचर की बात करूँ तो प्योजो जेंगो के अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलते हैं आपको। साथ ही इसके अंदर जो स्पीडोमीटर है वो एनालॉग है, और साथ ही डिजिटल ट्रिप मीटर है, सिंगल पीस सीट और कैरी हुक मिल जाता है आपको। और साथ इसके अंदर आपको चार्जिंग पॉइंट, फ्यूल गेज, LED हेडलाइट, LED टेल लाइट और LED टर्न सिग्नल लैंप जैसे कई सारे फीचर मिल जाते हैं। और इस स्कूटर के अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाते हैं, और इसकी जो ड्राइव है वो बेल्ट ड्राइव सिस्टम है। अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ प्योजो जेंगो की, तो इसके फ्रंट में आपको हाइड्रोलिक डोबिन कांटा 40 mm मिल जाते हैं, और रियर साइड में ब्लैक हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर 53 mm विद 5 पोजीशन एडजस्टेबिलिटी। अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ प्योजो जेंगो की, तो इसकी जो लंबाई है वो 1925 mm की है, चौड़ाई 710 mm की है और ऊंचाई 1190 mm की है। उसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 8.5 लीटर की है। उसका जो व्हील बेस है वो 350 mm का है। तो अब इंडियन रोड पे आपको एक नया स्कूटर देखने को मिलेगा जो कि 125 सेगमेंट के अंदर आया है, जो कि डीजल 125, जो कि कंपनी की तरफ से काफी अच्छा स्कूटर है। कंपनी क्लेम करती है कि उसने इसके अंदर काफी अच्छे अच्छे फीचर डाले, क्योंकि भैया उसको तो काम ही क्लेम है। बाकी तो कस्टमर बताया कि ये एज पर जो बताया उसके हिसाब से है या नहीं है। तो अगर आप लोग कोई नया लेने प्लानिंग कर रहे थे बाकी सभी से हटके, तो आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हो। इसकी प्राइस भी 1.5 लाख के आसपास की है, और काफी डिसेंट स्कूटर है, 30 किलोमीटर आपको माइलेज देता है। तो इसीलिए कंपनी ये भी कह रही थी कि इंडियन रोड के लिए बनाया गया, तो भैया ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। मतलब आपको अगर माइलेज नहीं चाहिए, बस टहन के लिए चाहिए, तो आप टहन मारने के लिए ले सकते हो, काफी अच्छा स्कूटर है। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेरी हो बाइक को लेके, गाड़ी को लेके, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके, इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेके, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर DM मुझे पूछ सकते हो, मैं आपकी क्वेरी को 100% सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। पर अगर आपको अच्छा लगे तो भैया आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे डालता रहता हूँ, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, वरना डिटेल वीडियो आपको यहाँ मिलती रहेगी। अगर आपके यहाँ पे सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको यहाँ डिटेल वीडियो मिलती रहेगी डेली बेसिस पे, क्योंकि मैं डेली डालता हूँ, कभी भी स्किप नहीं करता। बाकी अगर आप लोगों को 22 कार से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो आप लोग इंस्टाग्राम मीडियम कर सकते हो, फॉलो भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो से भी इतना ही गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो लगी तो आपको पता क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बाय बाय, टेक केयर।